कहने किबला, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप हमें जानते हैं, हम अच्छी फैमिलीज के लड़के। That is the slap I cannot forget, क्योंकि उसका साउंड मेरे कान में बजता है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी खुद नहीं खाई ऐसी जटांग करके जो आई है। आपको वाकई याद है किस वाकई की तरह इशारा? अंधेरे में यूं चेन चमकी है। जटांग। Yes। बहुत अच्छे करके लड़के। आप कुछ कर भी नहीं सकते। Oh my God। College। रात के अंधेरे में चमकता हुआ एक ब्रेसलेट वाला हाथ, घड़ी वाला हाथ। कंसर्ट था, कोई कंसर्ट था हैदराबाद क्लब। मेरे पास टिकट्स, मेरे दोस्तों के पास टिकट्स नहीं। आधी आवाम अंदर, कॉन्सर्ट चल रहा है। क्या मतलब है यार। तो भाई टापी हुई, टापी हुई, कॉन्सर्ट तक अभी हम पहुंच रहे। बाय द वे ऑफ स्विमिंग पूल से गुजरते हुए जा रहे हैं, वहां पे पुलिस वाले खड़े। अच्छा, तो वहां पे अंधेरा था। जी, वो क्रॉस करके मुझे याद है बड़े मिशन के बाद हम पहुंचे थे। अच्छा, पता नहीं कहां से हमने क्रॉस ओवर किया था। तो हमने टापी मारी, ऊपर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला, बातचीत की, ये कोई आप कोई तरीका है फला ढींगा। उन्होंने जब बातचीत की तो तरीका हो गया ना, तो अभी आपको बताते हम ये करते वो करते, जहां तक मुझे कच्चा पक्का याद है। अच्छा, आप मुझे दोस्त भी याद नहीं है कौन था। Let's not name names, right? आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप हमें जानते हैं, हम अच्छी फैमिलीज के लड़के। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी यार। वो मुझे उसने बका बाकी को, तुम जाओ। नहीं, बेटा आप जाए। ऐसे बका था, स्लीव ऊपर हुई थी और मुझे याद है वो चमकती हुई, या तो गोल्डन राडो उस दौर की। आई सॉ दैट, राइट? एंड दैट इज द स्लैप आई कैन नॉट फॉरगेट, क्योंकि उसका साउंड मेरे कान में बजता है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी खुद नहीं खाई ऐसी जटांग करके जो आई है। पूछा मैंने कुछ? यार, we just heard this freaking sound. अच्छा, क्यों कह रहे हो? तुम चले जाओ। पर तरीके से बात कर रहा है वो, पता नहीं क्यों भरम करा दिया उसने। बोला, बेटा आप लोग जाए, अच्छी फैमिली के, ये कोई तरीका होता है? आप इस तरह जंप वंप करके आ रहे हैं, आपको ये देखो ये कोई तरीका है? टॉप। ओह माय गॉड, दैट वाज प्रिंटेड फॉर इयर्स आई थिंक। मतलब वो ब्रांड हो गया होगा यार। ओह माय गॉड, एंड देन लाइक It was like lightning striking, man. And you are 14, 15, right? आपकी ज़िंदगी में पहली दफा पुलिस इनकाउंटर इस तरह के हुए भी नहीं है? आप जंप करके भी जा रहे हैं, you don't know how to react. उसके बाद भी, अब जब, for example, एक एज होती है when you are rowdy and you, you know, you wanna be a rebel. What and what not. तो होता ही था कि आपस में फटे हो गए, आपको पढ़ भी गई, कोई नहीं, टेंशन नहीं। लेकिन जब किसी पुलिस वाले से आप किसी को पढ़ती भी देखो ना, तो आप क्या, नहीं नहीं, वो आप उसको इंटेंसिटी आप सब उसको समझ आती थी कि यार ये लोग जो मारते हैं ना तो बहुत मारते हैं लोग। लोग से पंगा नहीं लेना। अच्छा, पुलिस ही यहाँ पे मुझे याद है, आई थिंक मेरी बहन और मेरी वाला मेरे कजन आए हुए थे यूएस से, और उनको वो बाय रोड नहीं मिलने गए थे इधर। वो लोग आए हुए थे नाइग्रा फॉल्स यूएस साइड, तो ये लोग यहीं से एक घंटे की ड्राइव करके नाइग्रा फॉल्स गए हुए थे यूएस साइड उनको मिलने। बहुत सारे लोगों को पूरे एक डेढ़ दोस्त, ये खुल गया, बॉर्डर खुल गया, अभी बंद था ना? आई डोंट नो, यूएस कनाडा, मुझे अपडेट नहीं क्योंकि कोई वो कनेक्शन। अच्छा, बहरहाल वो कनाडा से चले गए यूएस। वो कनाडा से चले गए यूएस, वहाँ उन्होंने पूरा दिन गुजारा। रात के सुबह के कोई 12:30 बजे वो कनाडा से वापस आए, मतलब दिन के नहीं, रात के मिडनाइट वो यूएस से कनाडा वापस आए। और वो वापस आके, आई डोंट नो इफ दे टुक अ रॉन्ग टर्न और व्हाट, बट दे गॉट लॉस्ट। ओके, अब वो हाईवे पे एंड दे लॉस्ट। तो क्या नाम है, इन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला जा रहा था, तो मैंने उस पुलिस वाले को डिप्पर मारा 2-3 बार। तो वो उसने साइड पे की गाड़ी, एंड इन्होंने भी गाड़ी साइड पे की, एंड दे बोथ स्टॉप। वाह, वो आया तो मैंने उसको कहा कि, अच्छा दिस इज आई थिंक मिड 2000s,
This is like way back in the day. Okay. 20 years ago. 21 और पीछे मलो गाड़ी चला रहे हैं वो जहाँ एग्जिट होनी थी ना वहां तक लेके गया और उसने यहाँ कहा कि आप यहाँ से एग्जिट ले लीजिएगा आई फ्लैश यू मैं वो डबल फ्लैश कर दूंगा आप उससे एग्जिट ले लीजिएगा तो मलो एग्जिट लेके मैं वापस अपने उसके रूट पे आ गया नाइस मगर ये अच्छा था अम्मा ने पुलिस वाले को पुल ओवर किया साइड पे लगा हां सही करना क्या है क्योंकि अब तो जा ही पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए ना फिर जा रहा मैं स्पीडिंग तो नहीं कर रहा था मैंने अपने आप को पकड़ी सेल्फ कॉन्शियस हो गया होगा बड़े भाई आईटी आर यू गोना गिव मी अ टिकट हो सकता है अम्मी ने इससे नहीं पूछा लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज दिखा कागजात दिखा यू गॉट आईडी ऑन यू ये वो है ना उमर शरीफ का एक जोक था ना मुशी सवा जहानी एक तो उनकी कॉमेडी का भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा ताल्लुक है बिल्कुल राइट है तो वो कहते हैं ना कि एक वो लड़का था जो अमेरिका रहता था बच्चा बड़ा बदतमीज टाइप का था जो बाप की बात नहीं सुनता था तो बाप ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि बात और सुनता नहीं आगे से कहता मैं 9/11 को फ़ोन कर दूंगा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा चार सिक्योरिटी को फ़ोन कर दूंगा कहते हैं मैं यार मैं काम करना मैनू लेके जाना लाहौर लाहौर जाके मैं सीधा करके ले आना उसको लाहौर ले जाते हैं लाहौर वो उतरता है तो एयरपोर्ट जैसे अब्बा जी बाहर निकलते हैं अब्बा जी टापो टाप हाँ पटाख बच्चा एकदम से होता है यार ये क्या हो रहा है मेरा साथ पुलिस वाले को देखता है पुलिस वाला कहता है मेरा अब्बा मार रहा है मुझे मुझे बचाओ मुझे बचाओ तो वो क्या पुलिस वाला कहता है तेरा अब्बा मार रहा है वो खा मार हुए मैं आप दो सवेरे खा के आया अब्बे को खा ठीक से खा यार ये बड़ा सीन है ना बड़ा गेम है अच्छा पुलिस की जैसे यहाँ पे है पाकिस्तान में तो हमारे पुलिस वाले एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अब उनकी फिजिकल फिटनेस की कुछ सालों में बात हो गई है व्हेन वी आर ग्रोइंग अप या इन अ लिटिल व्हाइल अगो को इतनी फिजिकली फिट नहीं होते नहीं नहीं अब बेहतर बहुत बेहतर उनकी मुश्किलात भी होती थी हमारे बैच के लड़के पुलिस वाले यार एक पुलिस वाले साहब उनका नाम मैं भूल गया हूँ दरक्षा थाने के एक ज़माने में इंचार्ज होते थे एक बार हम लोग जा रहे थे एक मोटरसाइकिल पे ठीक है मोटरसाइकिल पे आगे दो तीन पेज लड़के जा रहे थे और उन्होंने हमें रोका उन्होंने कहा कि दिखाएं पेपर वेपर दिखाएं तो कुछ हमें दिखाया उनको तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा पेपर है सब कुछ ठीक है तो वो कर क्या रहे थे कि वो खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे नाका टाइप का लगा के ये बदर कमर्शियल पे ना शुरू में के एफ सी से बहुत पीछे जहाँ वो बड़ी वाली रोड कौन सी यार जो 26 स्ट्रीट हाँ उससे जब आ रहे थे 26 स्ट्रीट से सर पैरेलल जो सीधा जाओ तो मैकडॉनल्ड्स हिट करती है वो रोड यार सब एवेन्यू नहीं सब एवेन्यू से भी इस तरफ तो मॉल उस तरफ जा रहा हूँ मैं सब अच्छा दारा तो वहाँ पे वो साहब खड़े हुए थे और वो कर क्या रहे थे कि जितने भी लड़के मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं और उनके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसे का मसला है तो वो ये नहीं करते थे कि इनको पकड़ो और ये करो वो करो क्योंकि वो तो रेगुलर सीन था सी वी पे कितना होता है वो साहब करते ये थे कि वो कहते थे बेटा चलो इसके टायर की हवा निकाल दो वो टायर की हवा निकालते कहते हैं वो कितने किलोमीटर दूर पंप है पैदल जा बेटे वहाँ से हवा भरवाना घर चले जाना अगली बार याद रखना कि पेपर्स हों तुम्हारे पास तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये काम कि मेहनत की मेहनत भी हो गई सबक का बस सबक भी हो गया बिल्कुल और बदतमीजी भी नहीं हुई इस पूरे प्रोसेस में तो वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे साहब थे तो उनसे मेरी ऐसी खड़े हो गए ना कचहरी लगनी शुरू कर दी तो ही टोल्ड अस के यार आई थिंक उनकी 12 घंटे ऑफ 12 घंटे ऑन कुछ ऐसे शिफ्ट्स होती थी ना ये होती हैं एसएचओस की आई थिंक एसएचओस मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर ड्यूटी है अच्छे पुलिस वाले भी थे जिनसे इंटरेक्शन हुआ है और फिर वो याद रह जाते हैं अच्छे लोग याद रह जाते हैं और पुलिस हमारे मोस्टली जैसे मालिक हैं जिनमें करप्शन का एक इशू है उसमें पुलिस के मसाइल हैं है ना सेंट्रल फिगर जैसे साउथ अमेरिका में बहुत मसाइल हैं पुलिस के जी साउथ अमेरिका साउथ एशिया हमारे साउथ एशिया में नहीं ये फ़र्क है कि आई थिंक 2015-16 की बात है क्या शायान साहब गए थे इंडिया मुंबई तो वापस आके मुझे बताया था कहता है सर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे भी सड़क पे जो इनका पुलिस वाला घूम रहा होता है ना उसका जो डंडा होता है उसका गन नहीं होती
जनरली इसका मतलब है कि आप नॉर्मली गन्स इतनी नहीं देख रहे हैं शहर में, और कहते हैं आप निकल जाएं सुबह के 3-4 बजे भी तो वो स्नैचिंग और यू नो ये जो स्ट्रीट क्राइम वाला इतना नहीं होता। तो आई थॉट यार ये बड़ी अच्छी बात है। दिस आई आल्सो एक्सपीरियंस्ड इन श्रीलंका फॉर माइल्स। एक पुलिस वाला कोई खड़ा हुआ है चौक पे और डंडा लेके, हाँ नो नो आर्म, कोई सीन नहीं है, बंदूक वगैरह, मगर उसकी उसके भरम, उसकी इज्जत, उसका जो वकार है, वो गाड़ियां बिल्कुल अपने। और श्रीलंका इज अ बिजी यू नो डेंस डेंस प्लेस, मगर ना देखें आपको ज्यादा बहुत ज्यादा पुलिस का जोर इस तरह नहीं। अब देखें जैसे कि नफरी नजर आ रही हो, बड़ी कंट्रोल करने के लिए बड़ी ज्यादा आवाम आपको पुलिस चाहिए हो। एक मेरा दोस्त है यहाँ पे, उसके बड़े भाई पुलिस में हैं या जा रहे थे क्या, आई फॉरगेट एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस, लेकिन आई रिमेंबर कि दे सेड कि यार यहाँ पे जो उनका फिजिकल होता है वो सिर्फ जॉइनिंग से पहले नहीं होता, वो आपको रेगुलर भी हो रहा होता है फिजिकल, आपकी फिटनेस चेक करने के लिए। दैट मेक्स सेंस ना यार। ऑफ कोर्स इट डज, एंड नॉट ओनली दैट, उसमें आई थिंक इट वाज मेल पुलिस मैन हैड टू बेंच प्रेस आई थिंक 180 पाउंड या 200 पाउंड। Right, regular right. आपकी bench press इतनी होनी चाहिए, एक standards maintain की है ना, हाँ कि इतने push-ups आपके head drop आप इतना भाग सकते हो। बिल्कुल, तो आप सोचें कि क्या नाम है ये जिन मालिक, हालांकि इसके इनके पास तो guns guns भी होती है of course, लेकिन जिन मालिक में जैसे आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, या अगर हमारे यहाँ अगर कोई अल्लाह ताला करे ऐसा निज़ाम हो जाए कि उनको गन लेके ना फिरना पड़े, तभी फिजिकल उनकी फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि देखें फिजिकली टैकल ऑलमोस्ट एनी बड़ी। बिल्कुल, मसला ये कि वन ऑन वन लेवल आप जो कह रहे हैं सड़क पे खड़ा जो पुलिस वाला है हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ यार, मोस्टली आप उसको देखोगे आपको लगेगा यार कोई पैदा के लिए खड़ा हुआ है। आप बात करोगे आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, आप पहले एक्सपेक्टेशन जीरो करके बात करें, आप एक्सपेक्टेशन जीरो करके बात करें, वो मीटर ही हमने नेगेटिव में कर दिया। या बट ब्रो मोस्टली आप उनसे बात नहीं कर रहे होते, मोस्टली वही आपसे बात करते हैं शुरू, तो फिर वो उनका जैसा टोन होता है, उनका जो हिसाब किताब होता है, आप उसी में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नहीं, 8 out of 10 times जो मुझे अच्छे पुलिस वाले मिले, मैंने तो यहाँ आप थे मेरे साथ, नहीं आप नहीं थे, मैं जा रहा था ऑक्सीजन टीवी, मेरे पास उस दौर में थी यामाहा 400 cc, मैं वन वे लिया राइट फॉर, और वहां पे आगे वन वे ने रॉन्ग वे ले लिया, रॉन्ग वे ले लिया। अच्छा, रॉन्ग वे ले लिया डिफेंस फेज 2 के साइड। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, वी गॉट स्टॉप्ड बाय कॉप्स, तो उन्होंने देखा, मैं बोला यार इतनी बड़ी बाइक, बोला क्या करते हैं क्या करते हैं, मैंने कार्ड वार्ड दिखा, बोले यार इतने पढ़े लिखे आदमी इतनी बड़ी मोटरसाइकिल और आप ये हरकत कर रहे हैं। तो मैंने माजरत की, मैं कहा सर मैं बिल्कुल मेरी गलती है, यू आर 100% राइट, वो अब यहाँ से यूं था और यहाँ से यूं था, तो मैं कहा यार यहाँ से यूं ले लें, मैं बाखुदा लेता नहीं वैसे, आई एम नॉट अ रॉन्ग वे काइंड ऑफ अ गाय, यूजुअली मेरी प्रैक्टिस नहीं। तो उसने पता नहीं क्या कोई जुमला बोला, आई गॉट आउट ऑफ माई बाइक, मैं कहा सर मैं आपको गले लगा सकता हूँ, मुस्कुराया बोला भाई आ जाओ, एंड आई हग्ड द गाय। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई, मैं कहा यार आप जैसे लोग क्यों इतने कम क्यों मिलते हैं हमें पुलिस में, तो उसने बोला यार आप जैसे लोग हमसे तरीके से बात करते हैं ना, तो हम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आई एम नॉट द ओनली गाय, आपने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, आपने अपनी गलती का भी एतराफ किया है और आपने माजरत भी की, तो अगर आप मुझसे कहते तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ, तो मैं ही तुमसे बदतमीजी करता, ऑफ कोर्स बनता भी है। हाँ, आपने मुझसे आप करके बात की, तरीके से बात की, अपनी पहचान कराई, अपना सारा तरीका एक सिस्टम है ना, एक सिविलाइज्ड वे है। तो उस दिन भी मैंने अपने आप को बड़ा सीखा कि यार शुरू में ही नेगेटिव वो एक प्री कंडीशनिंग आप अपनी लेके ना चले, यू नो एक फ्रेमवर्क बना के कि ये तो पैदागीर है, ये तो रिश्वतखोर है, ये तो ऐसा ही है, भाई इनमें बहुत होते हैं, इनमें बहुत नहीं होते। आपका शौक हुआ कभी पुलिस में जाने का? पुलिस तो नहीं, आर्मी में जाने का शौक जरूर था बचपन से। अच्छा, लेकिन मगर ये हो ना सका और अभी मुमकिन नहीं। सही सही, मैंने जीडीपी के लिए अप्लाई किया था, व्हिच इज पायलट। अच्छा, एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स। ओह नाइस नाइस, फिर उन्होंने क्या कहा? पता नहीं, उन्होंने कहा कि तुम खुद एक जहाज हो। बोला बेटा आप बड़े होंगे, मैं बहुत छोटा था, बोला आपको पता नहीं, आप जब बड़े होंगे आप खुद जहाज पे उड़ेंगे, हर वक्त उड़ेंगे। नहीं, आप मुझे बताइए कि आपने कैसे अप्लाई किया? यार इट वाज आई थिंक इवन बिफोर कॉलेज और मे बी ड्यूरिंग कॉलेज, तो टेस्ट दिया था, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था। अच्छा, या फेल्ड इन इट? ओह रियली? अच्छा, या आई वुडंट एक्सपेक्ट दैट। यार बगैर किसी तैयारी के दिया था, पता पड़ा कल टेस्ट है,
कल एंट्रीज हो रही है, ओके, ओके, हम पहुंच गए ओके, मगर ये कि नहीं हो सका और उम्मीदें क्रश हुई। सही है, मगर उसके बाद हमने अप्लाई नहीं किया। मुझे याद है आपकी बात से, वो अशर भाई की आपने जो बात की, सर मुझे जो पुलिस में जाने का शौक हुआ था ना, वो धुआं ड्रामे के, अच्छा जी जी जी, वो बचपन का ड्रामा था, उसने इंस्पायर किया था बकायदा, और वो ड्रामा मतलब बकायदा देखा गया था, वो इम्प्रिंटेड हाँ, है वो, मैंने फिर दोबारा जवानी में इंग्लैंड में दोबारा यूट्यूब पे देखा स्टार्ट टू फिनिश जी, व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड। अच्छा, आई सॉ बिट्स एंड पीसेस जब मैं, वी यूज्ड टू, काम कर लिया सब कुछ हो गया सर के साथ, फिर दोबारा रिलीज हो गई सब कुछ, उसके बाद इंग्लैंड की पुलिस के साथ एक मेरा सीन हुआ कि हम क्रिकेट मैच पे जा रहे थे और मैंने जिंदगी में पहली दफा आर्म्ड पुलिस, बंदूकों समेत पुलिस इंग्लैंड में देखी। अच्छा, तो वो कैसे देखी, वो मुझे पे बंदूकें निकली। अच्छा सर, मेरा दूसरा तीसरा साल था, थोड़े पुराने हो चुके थे, क्रिकेट का मैच था, हम एक बॉय को पिक करने आए, तीन लोग ऑलरेडी गाड़ी में, मेरे ख्याल में 2002 की 2004 की BMW है वाइट कलर की, उस पर हम हैं, हमारे दोस्त की है, डिक्की में हमने सारे वो पाकिस्तान से बैट्स मंगाए हुए केसेस के साथ, सी ए के फैसलाबाद से इधर उधर, वो पूरे लगे पूरे किट बैग्स रखे हैं, हाँ, और हम सारे वाइट किट्स में भी हैं। एक दोस्त को पिक किया, वहाँ जाते जाते जब हमें पिक करना था ना उसको, तो उसके घर के ठीक सामने एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, मेरे दोस्त ने बड़ी खतरनाक डेड ब्रेक्स मारी, तो आवाज़ है ना, बट दिस इज लाइक, ये होता नहीं है वहाँ पे आमतौर पे, तो उस बच्चे की अम्मा आई, उन्होंने बच्चा उठाया, मैं और से देख रही हूँ कुछ बच्चे को रह रहा, मैं बोला यार आमिर भाई नाम था यार, थोड़ा देख के कुछ नहीं आता यार, फिर यही होनी चाहिए था, ठीक है बात आई गई हो गई भाई। उसका इंतज़ार हुआ उमेर साहब का, उमेर आया बैठा गाड़ी में, हम चार लोग लोड होके हम गए हैं क्रिकेट मैच खेलने, तो उस एरिया से जब हम निकले तो हमारे मेन सिग्नल पे सामने से एक जीप हमें नजर आई पुलिस की, तो हमने उसे डिपर दिया कि आप जाइए, चाहिए जब सिग्नल खुला उसने हमें डिपर दिया, समझाओ ठीक है हम चले। अब हम टाउन से बाहर निकल रहे, बाहर निकलने वाली सड़क पर पहुँचे, यहाँ से एक जीप आई आगे से दो मोटरसाइकिलें मुझे नजर आई। सही है, मैं कह यार आमिर भाई कुछ अजीब अजीब लग रहा है, इतनी ज्यादा पुलिस मैंने इतनी ज्यादा एक साथ, कभी कभी दिखती थी एक सड़क पे एक गाड़ी, ये तो पांच छह हो गई, कुछ नहीं होता है, हंसते खेलते हम जा रहे, दोनों जीपों ने आके हमारे आगे गाड़ी रोकी, यहाँ से दो बाइक आ गई पीछे से, जो है वो आ गई, पूरा रोड आगे ब्लॉक हो गया, पूरा रोड पीछे ब्लॉक हो गया, अब मेन रोड है यू नो थ्री वे फोर वे लेन, रोक दिया गया सिर्फ हमें और पुलिस है, और रोक दी गई गाड़ी। मैंने यार एडवेंचर उन्होंने बोला जी पुट योर हैंड्स वेयर वी कैन सी देम, बाहर निकले बंदूकें, एक्चुअल कॉप्स और एक्चुअल बंदूकें। मैंने यार हमने क्या कर दिया, हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो उन्होंने जब बोला पुट योर हैंड्स वेयर कैन सी देम, मुझे याद है मैंने यूं करके सनरूफ से बाहर निकाले आप। अच्छा यहाँ पे मेरे फोन पड़ा हुआ था, ये बाहर निकाले दोनों तरफ से आए, पहले जी जो मेरे ड्राइवर साहब थे आमिर साहब की साइड से आए, बोला सिर्फ एक बंदा दरवाज़ा खोलेगा, ये पूरी अंग्रेजी में बातचीत हो रही है, दरवाज़ा खोलो एक बंदा ड्राइवर साइड, बाकी कोई हिले भी नहीं, बोला ठीक है हम कौन हिलेंगे। अच्छा मैं हंस रहा हूँ, पीछे वाले जो है ना वो बड़ी सीरियस हो यार कुछ नहीं होता वे आमिर भाई के आपको लग गए असरात, आमिर भाई आमिर भाई उतरे। अब मैं क्योंकि मेरा दिमाग इट वर्क्स लाइक अ कॉमेडियन, अब व्हेन ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिम एंड ही इज पॉइंटिंग हिज गन लाइक वॉक टुवर्ड टू स्टेप्स टुवर्ड्स मी नो मोर देन टू स्टेप्स, लाइक दो पर आ गया, बोला इस तरफ दो स्टेप जब यहां रुके तो नाउ स्टे देयर, ही पुट हिज गन बैक, टुक आउट अ टेजर गन, ओह शिट, पॉइंटेड एट हिम, ओके, एज सून एज ही डिड दैट इन माय माइंड ही टेज्ड हिम एंड इन माय माइंड आई एम लुकिंग At के अभी नाचेगा अभी आमिर जो है ना वो I'm looking at outside like okay what's going on so I'm trying to be serious, वो हुए टेजर पे रोका उनको, बोला नीचे ग्राउंड पे बैठो, नीज पे बैठे फिर उसके करीब आए भाई, ठीक है। अब उन्होंने बोला आप दरवाजा खोले साहब, पैसेंजर साइड पे थे, मैंने दरवाजा खोला तो बोला
you know, keep your hands in visible sight and move out with one hand. पहले तो use one hand, open your door, put it back. जी दरवाजा खोला यूं किया वो दरवाजा बंद. अच्छा अब यहाँ पे फोन पड़ा हुआ था ये पे. So I get out of the car slowly, nice and easy. तो अब मैं सोच रहा हूँ अब अगर मैं ये फोन के लिए फोन हटाने के लिए हाथ नीचे करता हूँ इसको बोले ये कोई बंदूक तो नहीं निकालने लगा. आप नीचे तो कर नहीं सकते. मैं ऐसे उतरता हूँ तो फोन गिरेगा उसमें इसने मुझे शूट कर दिया. तो भाई मैं उतरा नहीं क्या गिरा ना उसने तो उसको तो नहीं पता क्या कमोशन होना ना उसने तो बंदा देखना कोई डिवाइस गड़ाश करके गिरेगी. और आई थिंक आई हैड N95 ओके बड़ा वाला राइट. तो आए अब मैंने जो ना थोड़ा सा स्कूट किया करके फोन गिरे यहीं पे गिर जाए फिर मैं निकला हूं. एंड देन ही डिड द सेम थिंग पुट हिज गन बैक गॉट द टेजर आउट पॉइंटेड एट मी बोला नाउ सिट डाउन नाइस एंड इजी. तो मैं बैठा भाई वो आया उसने मुझे हैंडकफ कर दिया आमिर भाई को हैंडकफ कर दिया पीछे दो बंदों के साथ एग्जैक्टली एक एक करके बाहर निकाला है उन्होंने. बड़े सुकून से कार्रवाई हो रही है हमारे साथ बाहर निकाला. फिर मुझे उससे पूछा डू यू नो व्हाई यू हैव बीन स्टॉप्ड. आई हैव नो आईडिया. Okay, what's in the car? I go, cricket bats. Aamir bhai se pucha, usne bola fruit. Teesre bande se pucha, ab hua kya? Charon ka alag alag saman pada hua tha na dikki pe yaar. Sabne apna apna saman bata diya. Sabki statement alag. Unhone dikki kholi. To ji ab wo aisa lag raha hai repeater pade hue do teen cricket bats mein cover cases mein the na proper chashke wale the. To unhone nikala phir dekha to bola waqai bat hai ye. मतलब कहा जा रहा है हमने बोला यार मैच. अच्छा इस दौरान जहाँ मैच हमें खेलने जाना है उनके फोन पे फोन फोन पे फोन फोन पे फोन. तो उन्होंने बोला कहाँ है मैच. हमने कहा यहाँ यहाँ मैच है. बोला कहाँ से आ रहे हैं. हम बोले यहाँ यहाँ से आ रहे. सो बोला हमें कंप्लेन ये रिसीव हुई कि आपकी गाड़ी में हथियार है आप हथियारों से भर के गाड़ी कहीं जा रहे हैं. तुम्हें बोला किससे रिसीव हुई. बोला ये हम बता नहीं सकते. बहरहाल ये पर्चा है अगर आपको हमारी कंप्लेन करनी है. अच्छा हैंडकफ खोला वहीं का भाई पूरी सबसे इंटरव्यूज ले लिए गाड़ी चेक की पूरी गाड़ी चेक करी दिस क्लीन राइट. हैंडकफ खोले अपोलोजाइज किया ओके. अगर आपको हमारी कंप्लेन करनी है हमने आपके साथ कोई गलत बर्ताव किया हो कोई बदतमीजी की हो ये वो तो ये पर्चे हैं उसके ये नंबर है ये फॉर्म है ये भर के आप यहाँ भेज दीजिएगा. एंड वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस. सो देन वी लेटर फिगर्ड आउट जो मैंने आपको शुरू में बताया था इट वॉज द लेडी जिसके बच्चे पे उसने डेड ब्रेक्स नहीं मारे थे. जो कि मेहनत कर रहे हैं और जिनकी बेचारों की चल नहीं रही जिनका काम उस हिसाब से हो नहीं रहा जो चाहते हैं एक बावकार एक इज्जत तरीके से यू नो काम करना मुल्क के लिए काम करना अपना हलाल का पैसा कमाना उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा यार बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो एंड बिकॉज ऑफ द सिस्टम. हाँ प्लस आप देखिए कि जैसे आर्मी फैमिलीज होती हैं वैसे पुलिस फैमिलीज भी तो होती है ना बहुत सारे जिनके फैमिली के जी 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 पुलिस 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 सब उन लोग का क्या आउटलुक होगा एज इन नॉट 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 ओनली आउटलुक उनका क्या रंग होगा जो दुनिया देखेगी कि कैसे लोग हैं क्या वो किस लेंस से एग्जैक्टली किस लेंस से देखे होंगे एग्जैक्टली आपने अच्छी याद दिलाई. तो निकोलस केज कुछ खाना पीना करें क्या किया जाए क्या मूड चेक करते हैं जो निकल के तीनों में से किसी एक में जाएंगे ठीक है गुड चला जाए चला जाए.